और मेरी पढ़ाई जो है मैं 11th तक करी है, क्योंकि मुझे साइंस नहीं मिला था और मेरी रुचि साइंस में थी, इस वजह से फिर मैंने नहीं कर पाया। दूसरा पारिवारिक समस्या भी थी, पापा आर्मी से रिटायर थे तो हमारी शॉप थी, मिल गई थी, तो वो शॉप भी मैंने कंटिन्यू करी स्कूल टाइम से। तो मेरा जो शौक था वो बचपन से ही था, बचपन में मतलब स्कूल में भी मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स वगैरह प्राइज़ विन किए हैं, नेशनल लेवल के फ़र्स्ट प्राइज़ लिए हैं, ड्राइंग में फ़र्स्ट प्राइज़ है। तो मेरे एक मन में पहले से एक विचार था कि कुछ अलग किया जाए। तो मेरा जो मेन जो मकसद था वो बिजली बनाने का था, मुफ्त में बिजली बने। तो उसमें बजट वगैरह सब लगता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके फिर मैंने काम शुरू किया। तो 2009 में मैंने ये गाड़ी परचेज़ करी थी, नई गाड़ी परचेज़ करी थी, और कारण बस यही था कि इसको मैं मॉडिफाई करूँगा, अपनी मर्ज़ी से चलाऊँगा। उसके बाद धीरे धीरे सर 2010 में मैंने ये काम शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा करते करते, लेकिन वो सामान यहाँ मिलता नहीं है भोपाल में, मैंने पहले थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया और वो मिला नहीं। तो 2016-17 के बाद फिर मैंने थोड़ा बजट बड़े लेवल पे बाहर से सामान मंगाना शुरू किया, ये ईबे से हुआ, अमेज़ोन से हुआ, या एम मार्ट से हुआ। उसके बाद फिर मैंने काम शुरू किया और उसके लिए मैंने 2 लाख रुपये लोन लिया है, पर्सनल लोन बैंक से। उसके बाद फिर मैंने कंप्लीट करी ये गाड़ी। ये गाड़ी में सर फास्ट बात ये है कि इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार जब स्टार्ट होती है तो चलती रहती है, ऑटो चार्ज ऑप्शन है। थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, मैं कोई परफेक्ट इंजीनियर नहीं हूँ, अपनी शब्द जितना मैंने सीखा है, जितना अनुभव हुआ है, उस हिसाब से मैंने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे कर ही रहा हूँ और भी है। लेकिन इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो अमेरिका वगैरह में मिलते हैं, तो उतना मेरा बजट नहीं है ताकि वहाँ से सामान मंगा सकूँ। और मेन जो मेरा जो मकसद है सर, ये गाड़ी बनाना नहीं था, मेन जो मेरा मकसद है वो जो मैंने पॉइंटेड दिया हुआ है प्रधानमंत्री जी को, मैंने लेटर दिया हुआ है वो है ताकि उसे 7 करोड़ नौकरियां मिल जाएं, धुएं से, ट्रैफिक से, इन सभी से, पोल्यूशन से दूर हो। और जो मेन है, सबको सबको नौकरियां मिलें इस गाड़ी के माध्यम से नहीं सर, ये एक माध्यम है सिर्फ एक समस्या दूर करने का। बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने रिटर्न में पहुँचा दिया है, मैंने अभी तक उनको रिसीव नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो फिर मैं आपको और अच्छी तरह से इसको समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से 15 मिनट समय मांगा है। अगर वो 15 मिनट मुझे दे देते हैं तो मैं उनको और अच्छे से समझा सकता हूँ कि इसी गाड़ी से, सिर्फ इस गाड़ी के माध्यम से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं इस दुनिया का, इस देश का। तो मैं एक पत्रिका के माध्यम से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट प्रधानमंत्री जी मुझे दें और मेरी गाड़ी को अच्छे से एनालाइज करें, टेस्ट करें, उसके बाद ही कुछ निर्णय लें।